मीटर पे दिया है क्या एप्रोन, फ्लेक्सिबल एप्रोन, यहाँ पे इसका मतलब ये है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एंड हर बार की तरह इस बार भी इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं साइट पे आया हूँ और यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट काम की वजह से आया हूँ और यहाँ पे एक ब्रिज है, ये आपको सामने दिखा दूँगे। ये आपको ये क्रेस बैरियर आपको सामने दिखा दूँगे, ये क्रेस बैरियर है, ये फुटपाथ है, उसके बाद ये जो है हैंड रेल इसको बोलते हैं, इसको कर्व भी बोल सकते हैं, यानी कि बोलते हैं कर्व है टेक्निकली, इसको कर्व बोलते हैं, उसको क्रेस बैरियर बोलते हैं। तो एक्चुअली हम यहाँ पे पर्पज़ से आए हैं कि हम लोग जो ब्रिज के नीचे जो है वो एप्रोन जो बनाते हैं, एप्रोन स्लैब, जिसको हम लोग को पत्थर यानी स्टोन एप्रोन सो, इसमें दो जो है हम लोग एक तरह से यहाँ पे अभी जो जो लेयर नीचे आपको दिखाते होंगे लेबर, वो जो है स्टोन को एक सिक्वेंस में लगा रहे हैं उसके साइज़ के अनुसार। तो इससे होता है कि जो ये हम लोग को जो है एप्रोन स्लैब लगता है जिसके बाद, ठीक है। तो सर दोस्तों ये जो है टू टाइप्स के होते हैं, इसमें एक फ्लेक्सिबल एप्रोन होते हैं और एक फ्लेक्सिबल होते हैं और एक रिजिड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम लोग फिलहाल अभी यहाँ पे जिसको फ्लेक्सिबल ही बोल सकते हैं, और जब हम लोग इसके यहाँ पे जो हम लोग कंक्रीट कर देंगे उसका गैप में, जो नीचे आपको गैप दिखाई दे रहे होंगे, इस गैप में हम लोग जब कंक्रीट कर देंगे तो ये हम लोग का रिजिड एप्रोन हो जाएगा। और उसके बाद उसके आगे जो हम लोग जो अभी छोड़ जिस विदाउट कंक्रीट हम लोग छोड़ेंगे तो वो हम लोग का फ्लेक्सिबल हो जाएगा, फ्लेक्सिबल एप्रोन हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग का एक एज पर ड्राइंग हम लोग यहाँ पे काम करते हैं, तो ड्राइंग अभी मेरे पास, मैं आपको ड्राइंग में भी बताऊँगा किस तरह से जो हम लोग यहाँ पे बनाते हैं ये एप्रोन, ताकि हम लोग को जो है इनकी मिट्टी का जो है एक्सेवेशन होकर के हमारा धारा के साथ बहाना जाए, इसके लिए हम लोग ये एप्रोन डालते हैं। और चलो मैं आपको डिज़ाइन में दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास डिज़ाइन है, तो दोस्तों ये हम लोग का डिज़ाइन है, आपको सामने दिखाते रहेंगे। यहाँ पे आप देखते हैं होंगे फ्लेक्सिबल एप्रोन है, और साथ में साथ यहाँ पे आपको शायद दिखाने पड़ेंगे ये रिजिड पेमेंट है, रिजिड एप्रोन है, सेम इसका ऑपोजिट साइड में भी ऐसा ही है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका डिस्टेंस भी दिया हम लोग का कहाँ से कहाँ तक का जो है रिजिड एप्रोन होगा और कहाँ से कहाँ तक हम लोग का जो है फ्लेक्सिबल एप्रोन होगा, यहाँ पे दिया गया है 6.580। आप मेरे उंगली के पास देख सकते हैं 6.580, ये हम लोग का यहाँ पे रिजिड एप्रोन है। और यहाँ पे उसके आगे 6 मीटर का शायद दिखाई दे रहे होंगे, 6000 हम लोग इसको mm में है, यहाँ पे डायमेंशन हम लोग यहाँ पे मीटर में लेंगे। तो यहाँ मीटर में दिया है क्या एप्रोन, फ्लेक्सिबल एप्रोन, यहाँ पे इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हम लोग विदाउट कंक्रीट का है और ये जो है हम लोग का ये कंक्रीट किया हुआ है, इसलिए हम लोग इसको रिजिड यानी रिजिड एप्रोन बोलते हैं, और साथ ही साथ इनकी वैसा ही है, ठीक है। अभी आपको मैंने बताया कि यहाँ पे अप्रोच स्लैब भी होता है, इसमें ये ब्रिज का है ड्राइंग है। तो ये मेरा जो आप उंगली के पास देख रहे हैं ये अप्रोच स्लैब है, जस्ट इसका अपोजिट भी अप्रोच स्लैब है। फिर इसके बाद हम लोग को यहाँ पे हम लोग का जो गाड़ी का मूवमेंट होगा, व्हीकल मूवमेंट हम लोग का इस डायरेक्शन में होगा, ऐसा डायरेक्शन में व्हीकल का मूवमेंट होगा इधर से, और हम लोग वाटर का जो फ्लो होगा इस साइड से होगा, ठीक है। वाटर का फ्लो आपको तीर का मार्क दिखा दे रहे होंगे, ये एरो मार्क, ये हम लोग का वाटर फ्लो स्लोप यानी कि स्लोप को दिखाता है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है स्लोप को दिखाता है, यानी कि हम लोग का वाटर जो है फ्लो इधर इस डायरेक्शन में होगा। और इसके बाद हम लोग का यहाँ पे आपको दिखा है जो ये कर्व बोल सकते हैं, कर्व को बोले तो ये ऐसा, इसको हम लोग कर्व बोलते हैं, ठीक है। और ये फुटपाथ है, और ये इसको क्रेस बैरियर मतलब बोले तो क्रेस बैरियर, ये वाला क्रेस बैरियर हो गया, ठीक है, ये हो गया क्रेस बैरियर। आपको पहले वीडियो में दिखाया है, फिर भी आपको यहाँ पे ड्राइंग के हिसाब से आपको दिखा रहा हूँ वो किस टाइप के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। यहाँ फिलहाल इस ड्राइंग में जो हम लोग का दो टाइप का मिला, एक फ्लेक्सिबल एंड एक रिजिड मिला, तो इसी के बारे में आपको ज्ञान देना था, और उसका जो कैसे होता है वो आपको वीडियो में सामने दिखाई दे रहे होंगे, इस तरह से हम लोग को जो है स्टोन को एक लेयर में डालते हैं, ठीक है। आई होप दोस्तों वीडियो में कुछ बहुत कुछ समझ में आया, कुछ ना कुछ समझ में आया होगा, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है दोस्तों, थैंक यू।